स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन वैक्यूम इज गिवेन बाई इन दिस वे सी इक्वल्स वन अपॉन रूट ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंगों की चाल के लिए जो फार्मूला है वो इस तरीके से हम देते हैं। क्या हुआ, आओ इधर आओ। तो हम इस फार्मूले का आज प्रूविंग करेंगे। खास करके इस फार्मूले को आप प्रूव कर पाएंगे यदि आप जानते हो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अपने आप में एक वेव है, और अगर ये एक वेव है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को जनरल फॉर्म ऑफ वेव इक्वेशन को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। तो हम बेसिकली करने क्या वाले हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को जनरल इक्वेशन में लेकर के आएंगे। एज्यूम कर लीजिए कि हमारे पास में एक सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस से मिलकर बना हुआ है, और इसके ओरिजिन से हम एज्यूम कर लेते हैं कि स्मॉल एक्स की डिस्टेंस पर, सपोज करिए इस ओरिजिन से स्मॉल एक्स की डिस्टेंस पर हम एक बहुत छोटा सा लूप लेने वाले हैं जो कि एक्स वाई प्लेन में है। ये लूप बहुत छोटा है, इनफिनिटेसिमल लूप है, लूप बहुत ही छोटा है। एज्यूम कर लो लूप की जो लेंथ है वो डी एक्स है और जो इसकी विड्थ है ये डी वाई है। रेक्टेंगुलर लूप हमने लिया है सो दैट हम सिंप्लिसिटी से अपने फॉर्मूले को अप्लाई कर पाए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस लूप को नेम दे देते हैं 1 2 3 4। इसको ट्रेवर्स कर देते हैं एंटी क्लॉकवाइज इस तरीके से। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड के जो ऑसिलेशन हो रहे हैं एज्यूम कर लीजिए वो वाई डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड के ऑसिलेशन जेड डायरेक्शन में हो रहे हैं। क्लियर, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों के परपेंडिकुलर एक्स डायरेक्शन में हमारी वेव प्रोसीड कर रही है, प्रोपगेट कर रही है। क्लियर है, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यूज हैं वो केवल डिपेंड करने वाली हैं डिस्प्लेसमेंट एक्स पर और टाइम टी पर। किसी इंस्टेंट अगर हम बात करना चाहें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू तो वो वैल्यू डिपेंड करेगी डिस्प्लेसमेंट एक्स पर। भाई कितनी दूरी पर बात करना चाहते हैं आप, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग कितनी डिस्टेंस पर बात करना चाहते हैं, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। फॉर दिस वन लूप अप्लाई द माइकल फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अप्लाई करेंगे हम लोग फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, यहां लिखने चल रहे हैं फॉर इनफिनिटेसिमल लूप वन टू थ्री फोर जो कि अपने आप में क्लोज लूप है ना। अप्लाई द फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन अकॉर्डिंग टू द फैराडेज लॉ बताएं क्या होगा। लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड एनी क्लोज्ड लूप E dot dl है ना is equal to negative of the derivative of the magnetic flux with respect of time dd t of phi b है ना, ऐसा कुछ होता है। और यही इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो इंड्यूस होता है एप्सिलॉन के बराबर में होता है, किसी क्लोज लूप से पास करने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज होता है, यानी कि मैग्नेटिक लाइंस को हम जो है लगातार कट कर रहे हैं किसी क्लोज लूप से, तो उस लूप में एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इंड्यूस कर जाता है, एक वोल्टेज जनरेट हो जाता है, और वो जो वोल्टेज है वो लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई डॉट डीएल के बराबर में होता है, ऐसा कुछ होता है। तो आप एक काम करें, पहले लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू को हम लोग फाइंड आउट करते हैं, जो लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड इन दोनों वैल्यूज को हम लोग फाइंड आउट करके इक्वल कर देंगे। चलिए जरा देखते हैं लाइन इंटीग्रल, इस पूरे एज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल निकालना है। लाइन इंटीग्रल मतलब ई डॉट डी एल, ई डी एल कॉस थीटा, जो कि अपने आप में एक स्केलर क्वांटिटी है। तो हम अलग अलग एजेस 1 2 3 4 के लिए लाइन इंटीग्रल निकाल करके उनका सम कर लेंगे। तो इसको हम लोग लिखते हैं इस तरीके से, एक्सपेंड कर देते हैं, तो लाइन इंटीग्रल ई डॉट डी एल फॉर द एज 1, लाइन इंटीग्रल ई डॉट डी एल फॉर द एज 2, लाइन इंटीग्रल ई डॉट डी एल फॉर द एज 3, एंड फाइनली लाइन इंटीग्रल ई डॉट डी एल फॉर द एज 4। पहले लेफ्ट को पता लगाते हैं,
अब ध्यान से देखो, जो फर्स्ट और जो थर्ड एजेस हैं, ये दोनों एजेस एक्स के एक्सिस के अलोंग हैं। इसका मतलब वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर हैं। जो हमारी वाई एक्सिस है, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड और जो डीएल है, दोनों के बीच में राइट एंगल फॉर्म हो रहा है। यानी कि इस साइड वन और थ्री के लिए, इन दोनों साइडों के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल जीरो होगा, बिकॉज ई डी एल कॉस 90, कॉस 90 मीन जीरो। सो इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल इन दोनों एजेस के लिए जीरो हो जाएगा। तो इन्हें हम यहीं से क्रॉस कर देते हैं, ई डॉट डी एल एंड ई डॉट डी एल फॉर द फर्स्ट एंड द थर्ड एज इज जीरो। तो दो ही एजेस के इलेक्ट्रिक फील्ड के लाइन इंटीग्रल कंट्रीब्यूट करेंगे इस पूरे लूप के लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में। ई डॉट डी एल फॉर द सेकेंड एज पता लगाते हैं। देखो, दूसरे एज के लिए अगर बात करें, दूसरा जो एज है, इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग यहां पर देने वाले हैं x प्लस डी एक्स पर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट x प्लस डी एक्स इंटू डी एल, इसकी लेंथ कितनी है, सेकेंड एज की लेंथ कितनी है, डी वाई है, डी वाई। ओके, और इलेक्ट्रिक फील्ड और डीएल के बीच में एंगल कितना बन रहा है, जीरो डिग्री, बिकॉज ये जो लाइन है, देखो जो सेकेंड जो एज है, ये वाई के अलोंग है, जीरो डिग्री, कॉस जीरो मीन्स वन। तो वन लिखेंगे नहीं, समझ लेते हैं, ई एट द रेट एक्स प्लस ई एट एक्स प्लस डी एक्स इंटू डी वाई प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ई डॉट डी एल फॉर द फोर्थ एज। फोर्थ एज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पर है, एक्स पर है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्स इंटू डी एल, इसकी लेंथ कितनी है, इसकी भी लेंथ डी वाई है। लेकिन याद रखें, फोर्थ एज की जो डायरेक्शन है वो नीचे की तरफ है ना, वाई में नीचे की तरफ है, नेगेटिव वाई में, और इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव वाई में है, तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन नेगेटिव में आएगा। तो हम यहां पर माइनस का साइन अप्लाई कर देते हैं। फाइनली हमें क्या मिल गया, लाइन इंटीग्रल फॉर द क्लोज लूप इंटीग्रल ई डॉट डी एल इज इक्वल टू ई एट एक्स प्लस डी एक्स इंटू डी वाई माइनस ई एट एक्स इंटू डी वाई। दोनों में से डी वाई को कॉमन कर लेते हैं, डी वाई कॉमन कर लेंगे, क्या बचेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्स प्लस डी एक्स माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्स। अब इस तरह का अगर आपको डिफरेंस मिले तो क्या करेंगे, इस तरह के डिफरेंस को आप कैसे लिख सकते हैं, भाई सेम टाइप की फंक्शन का डिफरेंस है, ठीक है, थोड़े से इंक्रीमेंट में के लिए एक्स में, आप जानते हैं डिफरेंशिएशन से, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स। अगर इस डिफरेंस को हम डिवाइड कर दें डेल्टा एक्स से और यहां पर लिमिट ले लें डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो, तो ये वैल्यू डिफरेंशिएशन डी वाई ओवर डी एक्स के बराबर में होती है। तो वही काम कर दें, यहां से अगर आप देखें एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस डी एफ एक्स की वैल्यू क्या होगी, डी वाई ओवर डी एक्स मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा एक्स, और डेल्टा एक्स की वैल्यू जीरो की तरफ जा रही है, तो हम डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी एक्स लिख सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं। तो यही सेम एनालॉजी आप यहां अप्लाई करें, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हो रही है जो कि एक्स के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, तो क्या कर देंगे, यहां पर हम लोग करने वाले हैं डी वाई इंटू, ये हो जाएगा डी ई ओवर डी एक्स मल्टीप्लाइड बाई डी एक्स, या आप देख पा रहे हैं ये डी एक्स डी वाई बन जाएगा, डी एक्स डी वाई मल्टीप्लाइड बाई डेरिवेटिव ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विद रिस्पेक्ट ऑफ एक्स। और डी एक्स डी वाई क्या है, इस लूप का एरिया, यानी कि लाइन इंटीग्रल की वैल्यू इस लूप के एरिया पर डिपेंड करती है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, आपको पता होना चाहिए। लाइन इंटीग्रल फॉर द क्लोज लूप इज डिपेंडेंट ऑन द एरिया ऑफ द लूप डी एक्स डी वाई, इस लूप का एरिया कितना होगा, लेंथ इनटू ब्रेथ डी एक्स डी वाई, है ना, ठीक, रेक्टेंगुलर लूप है। तो ये चीज हमको मिल गई यहां से, इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल। अब एक काम कर लेते हैं, राइट हैंड साइड की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। देखें राइट हैंड साइड में क्या है, नेगेटिव ऑफ द डेरिवेटिव ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स, नेगेटिव ऑफ द डेरिवेटिव ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स कैसे देंगे, मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया वेक्टर बी डॉट ए, बात सही है। अगर आप देख पा रहे हो तो ये वैल्यू कैसे दे सकते हैं, एज्यूम कर लो कि इस लूप के सेंटर में जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है वो बी है,
मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज हो रहा है एक्स के रिस्पेक्ट में, तो हम मैग्नेटिक फील्ड को बीच में मान लेते हैं कि बिल्कुल लूप के सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी है, बी है, कैपिटल बी। ठीक, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जेड डायरेक्शन में। ठीक, तो मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया वेक्टर, इसका जो एरिया वेक्टर होगा अगर आप देखें तो एरिया वेक्टर किस तरफ होगा, ट्रेवर्स करें आप अपने राइट हैंड रूल से, ये आउटसाइड आ रहा है यानी कि ये भी जेड डायरेक्शन में ही होगा, तो बी डॉट डी ए की वैल्यू बी ए के बराबर में हो जाएगी, है ना, दैट इज माइनस डी डी टी ऑफ बी, बी को वैसे ही लिखेंगे, इन टू एरिया, एरिया इक्वल्स डी एक्स डी वाई, डी एक्स डी वाई ये वैल्यू होगी। और चूंकि ये डी एक्स डी वाई कंप्लीटली एरिया की स्केलर वैल्यू है, ये बाहर आ जाएगी, इसको ऐसे कर देंगे डी एक्स डी वाई मल्टीप्लाइड बाई डी बी ओवर डी टी। तो क्या देखा आपने, डी एक्स डी वाई मल्टीप्लाइड बाई माइनस डी बी ओवर डी टी, क्या देखा आपने यहां से, आपने क्या देखा, ये डी एक्स डी वाई, डी एक्स डी वाई कैंसिल आउट कर जाएगा, तो क्या मिलेगा रिलेशन आपको, आपको एक रिलेशन यहां से मिल जाने वाला है। रिलेशन क्या मिलेगा, रिलेशन ये मिलेगा, डेरिवेटिव ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड विद रिस्पेक्ट ऑफ एक्स, डी ई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, क्या मिलेगा, माइनस डी बी ओवर डी टी, नेगेटिव डी बी ओवर डी टी। इलेक्ट्रिक फील्ड पहले वाले कंपोनेंट का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, मैग्नेटिक फील्ड दूसरे वाले कंपोनेंट का टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन के नेगेटिव के बराबर में वैल्यू मिल जा रही है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसको आप देख सकते हैं, जब पहले वाले की वैल्यू में एक्स के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा होगा तो वो जो चेंज होगा वो दूसरे वाले की वैल्यू में टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज के नेगेटिव के बराबर में होगा। इसी चीज को हम अगर एक लूप एज्यूम कर लें जो कि जेड एक्स में हो, एक्स जेड प्लेन में हो, तो उसके लिए भी हम निकाल सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल। ठीक है, तो चलिए यहीं पर अब मैं लिखता हूं, आगे दूसरी चीज एज्यूम करेंगे। यहां पर एक हमारे पास में दूसरा लूप है, वो लूप एक्स जेड प्लेन में है, ऐसे एज्यूम कर लीजिए, ये हमारे पास में एक दूसरा लूप है, ये लूप किस में है, ये लूप हमारा एक्स जेड प्लेन में है, एक्स जेड प्लेन में है। ठीक, और इस लूप की लेंथ कितनी है, वही सेम लेंथ है डी एक्स, और लूप की विड्थ कितनी होगी, चूंकि ये जेड के अलोंग है तो एज्यूम कर लिए ये डी जेड है, इसकी वैल्यू कितनी है, डी जेड है। अगर हम इस लूप के लिए, ये जो लूप बन रहा है ना, इस लूप के लिए मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल पता लगाएं, यानी कि हम अप्लाई कर दें एम्पियर्स ला, यही लिखने चल रहा हूं, सिमिलरली फॉर अ लूप इन एक्स जेड प्लेन, ये लूप एक्स जेड प्लेन में मैग्नेटिक फील्ड वाले प्लेन में है, क्या करेंगे, अगर हम यहां निकालें लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी डॉट डी एल, इसको अप्लाई करें, तो एम्पियर लॉ के मुताबिक वैक्यूम के लिए क्या होता है, वैक्यूम के लिए मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल ये बराबर में होता है म्यू नॉट टाइम्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट, म्यू नॉट आई डी, क्योंकि कंडक्शन करंट तो जीरो हो जाएगी वैक्यूम में, म्यू नॉट आई सी प्लस आई डी तो होता है, बात सही है, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई सी प्लस आई डी, कंडक्शन करंट प्लस डिस्प्लेसमेंट करंट, बट वैक्यूम में कोई कंडक्शन करंट नहीं, कोई चार्ज नहीं है, केवल डिस्प्लेसमेंट करंट म्यू नॉट आई डी, और डिस्प्लेसमेंट करंट की वैल्यू आप जानते हैं एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई ओवर डी टी होती है। टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेट एक करंट को लेकर के चलता है जिसे कहते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट, है ना, ये डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला था एप्सिलॉन नॉट डी फाई ओवर डी टी, तो कुछ ऐसा होता है। तो अगर हम यहां पर अप्लाई कर दें लाइन इंटीग्रल को पता लगाएं मैग्नेटिक फील्ड का, तो फाइनली हमें क्या मिलेगा, ऐसा ही कुछ मिलेगा, बस रहते यहां पर डीई ओवर डीटी डीएक्स था, तो इस वाले केस में डीबी ओवर डीएक्स हो जाएगा, तो क्या मिलने वाला है, डीबी ओवर डीएक्स इज इक्वल टू नेगेटिव, यही मिलेगा, वापस नेगेटिव मिलेगा आपको। ठीक है, डीबी ओवर डीटी था तो यहां पर क्या मिलेगा, यहां पर मिलेगा डीई ओवर डीटी,
और ये जो कांस्टेंट है ये बाहर आ जाएंगे, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डी ई ओवर डी टी, एक ऐसा रिलेशन मिल जाएगा, इसको हम लोग दिखा सकते हैं। ठीक, दूसरे वाले लूप के लिए भी हर एक एज के लिए मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल आप पता लगा लें। ठीक है, आप देख पा रहे हैं कि जो ये जो एजेस हैं जो पैरेलल हैं ये और ये मैग्नेटिक फील्ड के लिए, इनके लिए लाइन इंटीग्रल तो मिल जाएंगे, बाकी इन दोनों एजेस के लिए मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल जीरो कर जाएगा। फिर वही सेम फार्मूला अप्लाई कर देंगे, मैग्नेटिक फील्ड एट एक्स प्लस डी एक्स इंटू डी जेड माइनस हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड बी एट द एक्स इंटू डी जेड, सो डी बी ओवर डी एक्स इक्वल टू नेगेटिव म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डी ई ओवर डी टी, ये चीज आपको मिल जाएगी ऐसे। अब क्या करें, इस पहले वाले रिलेशन को दोबारा डिफरेंशिएट करिए एक्स के रिस्पेक्ट में, चूंकि हमें इसे जनरल फॉर्म में लिखना है और जनरल फॉर्म में डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर कुछ ऐसा रहता है, तो पहले वाले रिलेशन को दोबारा डिफरेंशिएट कर दीजिए। ठीक है, तो डिफरेंशिएट करें, इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। चलिए, डिफरेंशिएट द फर्स्ट रिलेशन विद रिस्पेक्ट ऑफ एक्स, ये लिखने चल रहा हूं, डिफरेंशिएटिंग फर्स्ट रिलेशन अगेन विद रिस्पेक्ट ऑफ एक्स। सेकेंड डेरिवेटिव पता लगाएं, सेकेंड डेरिवेटिव जब देंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारा डी टू ई ओवर डी एक्स स्क्वायर, और वहां पे क्या हो जाएगा डी डी टी ब्रैकेट में डी डी एक्स ऑफ बी, चाहे पहले एक्स के रिस्पेक्ट में करें या पहले डी के रिस्पेक्ट में करें कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हम पहले एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं ना, इस वाले फंक्शन को, इस पूरे फंक्शन को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है और टी के रिस्पेक्ट में पहले से डिफरेंशिएशन है, तो इसको टी वाले को बाहर कर लेते हैं और एक्स वाले को इनसाइड कर देते हैं, डी बी ओवर डी एक्स। आप ध्यान दें, सेकेंड रिलेशन से डी बी ओवर डी एक्स की वैल्यू आपको मिल चुकी है, नेगेटिव म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डी ई ओवर डी टी, ऐसा होता है, इस वैल्यू को प्लेस कर दे यहां पर तो क्या हो जाएगा डी डी टी ऑफ डी बी ओवर डी एक्स की वैल्यू आप निकाल चुके हैं, डी बी ओवर डी एक्स की वैल्यू माइनस में है, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डी ई ओवर डी टी। तो फाइनली क्या देखा आपने, फाइनली आपको यहां से मिल जाएगा, क्या मिलेगा, माइनस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डी टू ई ओवर डी टी स्क्वायर, और ये किसकी वैल्यू है, डी टू ई ओवर डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू है। तो क्या देखा आपने, डी टू ई ओवर डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू नेगेटिव ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डी टू ई ओवर डी टी स्क्वायर, और ये किस रूप में है, ये इसी रूप में आ गया, हमारा जो रिलेशन है वो इसी फॉर्म में आ गया है, सॉरी ये प्लस में आएगा, ये चीज प्लस में रहेगी। तो अगर हम इस चीज को लेफ्ट में ट्रांसपोज कर दें तो लिखेंगे डी टू ई ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डी टू ई ओवर डी टी स्क्वायर, और यही एक वेव के फॉर्म में हमारा रिलेशन है, और ये हमें एक वेव को दिखा रहा है। अगर ये एक वेव का रिलेशन है आप वहां से देख पा रहे हैं, तो ये वैल्यू क्या होगी, ये वैल्यू बराबर में होगी वन अपॉन वी स्क्वायर के, यहां से वन अपॉन वी स्क्वायर की वैल्यू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट आर वी इक्वल्स वन अपॉन रूट ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, एंड दिस इज द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो हमको चाहिए था। सो फाइनली हमने प्रूफ कर दिया है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए स्पीड को वी के बजाय सी से शो करते हैं, तो आप सी भी लिख सकते हैं, सी इक्वल्स वन अपॉन रूट ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, और अगर हम म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू को रखें तो ये वैल्यू 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकंड भी आपको मिल जाएगी।